अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंफीरियर व्यूज़ कल बोन का। इससे पहले जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यूज़ हैं वो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको लेटरल व्यू नजर आ रहा है स्कल बोन का, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं बेस ऑफ स्कल, या इसी को हम कहते हैं इंफीरियर व्यू। सो इंफीरियर व्यू जो हमने सारा डिस्कस करना है वो असल में है ही क्या, स्कल की बेस है। डिस्कस हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि यहाँ से वो कहते हैं मैंडिबल को रिमूव कर दें, ठीक है, और यहाँ से एक ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेंगे ताकि हर बोन को हम क्लियरली पढ़ सकें। जैसा कि इस डायग्राम में आप देखें, मैंडिबल को रिमूव कर दिया गया और एक ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया गया, और उसमें इंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर तक जो बेस है स्कल की वो नजर आ रही है, सेम एज हेयर। अच्छा, अब आपने याद ये रखना है कि ये जो बेस है स्कल की, इसके भी डिफरेंट पोर्शंस हैं। किस तरह से हैं? इसका एक एंटीरियर पोर्शन है बेस ऑफ स्कल का, ठीक है, एक पोस्टीरियर पोर्शन है, ये हमारे पास पोस्टीरियो लेटरल पोर्शंस हैं, और ये मीडियल पोर्शन है, ठीक है। अब हर पोर्शन को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बेस ऑफ स्कल का एंटीरियर पोर्शन है उसकी बात करते हैं, और इंटीरियर पोर्शन में बच्चों सिर्फ चार चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। पहले तो आप सबसे पहले ये बताना चाहिए कि इसमें कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं। तो ये है हमारे पास मैक्सिला और ये है हमारे पास पैलेटीन पिंक के अंदर, ठीक है। मैक्सिला और पैलेटीन क्या बना रही है? हार्ड पैलेट, एंड हार्ड पैलेट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ स्कल, ठीक है। अब इसमें है क्या? इसमें दो पैलेटल प्रोसेसेस हैं। एक पैलेटल प्रोसेस है किसका? मैक्सिला का, ये वाला प्लेटल प्रोसेस, ठीक है, और एक है हमारे पास किसका? पैलेटीन का। प्लेटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड प्लेटल प्रोसेस ऑफ पैलेटीन। इसके बाद इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली फोसा और फोरामेन है। इंटीरियरली हमारे पास ये है इंसिसिव फीजर और इसके अंदर है इंसिसिव फोसा, एंड पोस्टीरियरली पैलेटिन के ऊपर है ये दो फोरामेन, छोटा और बड़ा, ग्रेटर पैलेटिन फोरामेन, लेसर पैलेटिन फोरामेन, अगेन मैक्सिला, पैलेटीन, लेटरल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, लेटरल प्रोसेस ऑफ पैलेटीन, इंसिसिव फीजर इंटीरियरली एंड इसके अंदर इंसिसिव फोसा, एंड जो पैलेटीन प्रोसेस पैलेटीन बोन है उसके ऊपर पोस्टीरियरली क्या मौजूद है? ग्रेटर पैलेटीन फोरामेन एंड लेसर पैलेटीन फोरामेन। ये हमारे पास कवर हो गया स्कल का इंटीरियर पार्ट, बेस का, ठीक है। अब आप आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो पैलेटीन है इसकी पोस्टीरियरली हमारे पास दो ओपनिंग्स हैं, इन्हें हम कॉनाई भी कहते हैं, और ये पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग है जो जाती हैं और नेजल पैसेज वे को एंटर करती हैं, लैरिंग्स को, ट्रैकिया को, एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो दोनों पोस्टीरियर अपर्चर्स हैं ये सेपरेट हुई हुई हैं वोमर की मदद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेजल कैविटी को दो पोर्शंस में जो बोन डिवाइड करती है उसे हम क्या बोलते हैं? वोमर। सो वोमर ने क्या किया हुआ है, दोनों पोस्टीरियर ओपनिंग्स को दो पार्ट में, या ऊपर नेजल कैविटी होगी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, ये जो वोमर बोन है या बोन है हमारे नाक में, सिर्फ दरमियान में बोन नहीं होती, बल्कि अगर जो हमारी नेजल कैविटी का या नाक का जो इन्फीरियर वाला पार्ट है वहां पर भी अगर हम हाथ लगाएं तो हमें ऐसी एक बोनी प्लेट नजर आती है, ठीक है। वो बोनी प्लेट नाक की कौन बना रहा है? वो बना रही है हमारे पास ये स्फीनॉइड बोन, ठीक है। यहां तक हमारे पास ये मैक्सिला था, पैलेटीन था, वोमर है, और ये येलो वाली स्फीनॉइड बोन है, ठीक है। स्फीनॉइड बोन ने क्या किया है? हमारे नाक की प्लेट्स बनाई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, जो वोमर की तरफ है वो है हमारे पास मीडियल टेरिगॉइड प्लेट। ये हमारे पास क्या है? मीडियल टेरिगॉइड प्लेट। और जो थोड़ी आउटर साइड पे हैं ये हमारे पास क्या है? लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? लेटरल टेरिगॉइड प्लेट। एक और बात कि ये जो हमारे पास होती है मीडियल ट्रिगॉइड प्लेट है जो हमारे पास, इसका जो इन्फीरियर एंड है वो प्रोलॉन्ग होता है और उसने एक स्पाइक बनाई होती है। स्पाइक को हम बोलते हैं हेम्यूलस। इसको हम क्या बोलते हैं? हेम्यूलस। सो वोमर ने क्या किया हुआ है? पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग्स को डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ पे प्लेट है किसकी? स्फीनॉइड की, जो इसके पास है उसको हम बोलते हैं मीडियल ट्रिगॉइड प्लेट, और जो बात थोड़ी बाहर करके उनको हम बोलते हैं लेटरल ट्रिगॉइड प्लेट। यहाँ पे जो मीडियल वाली थी उसकी एक प्रोलॉन्ग ओपनिंग और कर्व टाइप चीज है, उसे हम बोलते हैं हेम्यूलस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पीछे। ये जो हमारे पास मीडियल ट्रिगॉइड प्लेट है इसकी पोस्टीरियो लेटरली आएंगे अगर, तो यहाँ पे हमारे पास है स्फीनॉइड का ग्रेटर विंग। इसके अंदर हम देखते हैं दो तरह की जो है वो फोरामेन प्रेजेंट है। एक ग्रेटर फोरामेन नजर आ रहा है आपको, एक लेसर फोरामेन नजर आ रहा है, मतलब छोटा स्मॉल। जो ग्रेटर फोरामेन है इसे कहते हैं फोरामेन ओवेल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? फोरामेन ओवेल। और जो छोटा उसे कहते हैं फोरामेन स्पाइनोजम, ठीक है। इन दोनों के पीछे जो है वो स्फीनॉइड की एंडिंग है, या स्फीनॉइड का क्या है? स्पाइन प्रेजेंट है, ये जो है छोटा सा, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड बोन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्फीनॉइड बोन क्या हो रही है? खत्म हो रही है। सो यहां तक हमने क्या पढ़ा कि ये स्फीनॉइड की मीडियल प्लेट्स हैं, ये लेटरल प्लेट हैं, और इसकी जो लेटरल प्लेट के पोस्टीरियो लेटरली ग्रेटर स्विंग है, उसके अंदर दो फोरामेन हैं। एक हमारे पास ग्रेटर फोरामेन है जिसे हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, एक लेसर फोरामेन है उसे कहते हैं फोरामेन स्पाइनोजम, और फिर हमारे पास क्या मौजूद है? स्पाइन मौजूद है स्फीनॉइड की, ठीक है। तो यहां तक बच्चों आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ऐसा कुछ खास पॉइंट्स नहीं थे। ये हमारे पास जो है वो इंटीरियर पार्ट है जिसके अंदर क्या है? पैलेटल प्रोसेसेस, इंसिसिव फीजर, इंसिसिव फोसा। ये हमारे पास है ग्रेटर पैलेटिन फोरामेन, लेसर पैलेटिन फोरामेन। ये वोमर है जिसने कॉनाय को डिवाइड किया हुआ है, ये उसकी मीडियल प्लेट्स हैं, लेटरल प्लेट है, मीडियल प्लेट की एक प्रोलॉन्ग कर्व लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम हेम्यूलस कहते हैं, एंड देन इसके पोस्टीरियो लेटरली हमारे पास अगेन दो फोसाज या फोरामेन प्रेजेंट है जिन्हें हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोजम, एंड स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड, या स्फीनॉइड का ग्रेटर है।
अब यहाँ पे हमने एक ग्रूव देखना है, ठीक है, जो ऑडिटरी ट्यूब के लिए होगा। वो कैसे है कि ये हमारे पास स्फिनॉइड बोन है ना बच्चों, ठीक है, इस स्फिनॉइड बोन के बिहाइंड और ये नीचे सारी टेम्पोरल बोन है पिंक वाली, ये आपने याद रखना है। स्फिनॉइड है, ये टेम्पोरल है। अब टेम्पोरल के दो पोर्शन हैं, ठीक है, ये इसका स्क्वेमस पोर्शन है जो स्मूथ सा है, ये जो थोड़ा डार्क पिंक है और जो थोड़ा टेढ़ा सा है इसे हम कहते हैं टेरस है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं टेरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ये जो टेरस पार्ट है और ये जो हमारे पास क्या है स्फिनॉइड का पार्ट है, इन दोनों के दरमियान एक ग्रूव प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनियस ग्रूव। इस ग्रूव को हम क्या बोलते हैं, ग्रूव फॉर ऑडिटरी ट्यूब, ठीक है। इस ग्रूव के आगे जो है वो बोनी फीचर होगा जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, ये नज़र आ रहा है ये वाला बच्चों, ठीक है, ये जो यहाँ पे नज़र आ रहा है हमने क्योंकि इसको क्रॉस सेक्शन में लिया हुआ तो ज़्यादा सही नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ से अंदर जो है वो हमारे पास मिडिल ईयर में ये ट्यूब जाएगी और ईयर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपने ग्रूव याद रखना है किसके दरमियान में है, स्फिनॉइड और टेम्पोरल बोन के टीरस प्रोसेस में, जो टेढ़ा सा प्रोसेस है। यहाँ पे कार्टिलेजिनियस ग्रूव है और इसका बोनी फीचर विजिबल होता है यूं करके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखें हम तो ये हमारे पास टेम्पोरल बोन है, ठीक है बच्चों, आपको याद होगा टेम्पोरल बोन पे हमने तीन प्रोसेसेस पढ़े थे, एक किस तरह था, इसको हम कहते हैं स्टीलॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये हमारे पास जाइगोमेटिक प्रोसेस था जो जाइगोमेटिक आर्च बना रहा था, और एक हमारे पास था मेस्ट्रॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये जो स्टीलॉइड प्रोसेस है ये ऐसे करके फॉरवर्ड जा रहा है और डाउनवर्ड जा रहा है इस तरह से, ठीक है। इसके बिल्कुल साथ हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टेम्पोरल का ये स्क्वैमस पोर्शन है और ये टीरस पोर्शन है, ठीक है। मुझे इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं बना हुआ, इसके स्पेलिंग होते हैं ये, ठीक है। सो इसको टीरस प्रोसेस टीरस पार्ट कहते हैं, ठीक है। सो इस टीरस पार्ट की इन्फीरियरली एक कैनाल नजर आएगी आपको, इसको हम बोलते हैं कैरोटिड कैनाल, इसमें से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कैरोटिड प्लेक्सस गुजरते हैं। ये स्टीलॉइड प्रोसेस है और ये क्या है, टीरस पार्ट है किसका, टेम्पोरल बोन का, और इसके इंफीरियरली एक कैनाल है जिसे हम कहते हैं कैरोटिड कैनाल, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको यहां तक दोबारा रिवाइज कराती हूं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हाँ, ये आपने याद रखना, ये हमारे पास जो है वो मैंडिबल फोसा है, ठीक है, और ये हमारे पास आर्टिक्यूलर ट्यूबर्कल है, आगे जाके जाइगोमेटिक प्रोसेस है जो जाइगोमेटिक आर्च बना रहा है, ठीक है। मैंडिबुलर फोसा और स्टीलॉइड प्रोसेस, इसके अलावा इसके ऊपर आपने क्या याद रखनी है, कैरोटिड कैनाल, और यहाँ पे हमारे पास ग्रूव है इन दोनों के दरमियान जो किसके लिए है, ऑडिटरी ट्यूब के लिए। यहाँ हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड करें। सो ये हमारे पास बेस है स्कल की, ठीक है, इसका एक इंटीरियर पोर्शन है, इंटीरियर पोर्शन में हमारे पास क्या है, मैक्सिला का प्लेटल प्रोसेस और पैलेटिन का प्लेटल प्रोसेस, ठीक है। इसमें हमारे इंसिसिव फीचर है, इंसिसिव फोसा है, यहाँ पे ग्रेटर फोरामेन है पैलेटाइन का और लेसर फोरामेन है पैलेटाइन का, ठीक है। पर ये हमारे पास पोस्टीरियर नेजल अपर्चर्स हैं, यहाँ पे बोमर ने इसको डिवाइड किया हुआ है, ये जो प्लेट्स हैं ये बनाई हुई हैं स्फिनॉइड ने, यहाँ पे मीडियल ट्रिगॉइड प्लेट है, ठीक है, और फिर लेटरल टेरिगॉइड प्लेट्स हैं, ठीक है। लेटरल टेरिगॉइड प्लेट के बिहाइंड हमने देखा तो जो ग्रेटर विंग है स्फिनॉइड का उसके ऊपर दो फोरामेन है स्मॉल एंड लार्ज, जिसे हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, इसे हम कहते हैं फोरामेन स्पाइनोजम, ठीक है। फिर अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पे स्फिनॉइड के और ये जो टीरस प्रोसेस है टेम्पोरल बोन का, इनके दरमियान एक कार्टिलेजिनियस ग्रूव है, ये ऑडिटरी ट्यूब का के लिए है, और यहाँ पे कार्टिलेजिनियस ग्रूव है, इसके अंदर जो है वो पूरी की पूरी हमारी कान की जो ट्यूब है वो बनेगी और वो उसके बोनी फीचर्स भी हैं जैसे हम एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस कहते हैं, ठीक है, जो बाहर से विजिबल होता है। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे टेम्पोरल बोन के ऊपर, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ हमारे यहाँ टेम्पोरल बोन पे, ठीक है। टेम्पोरल बोन पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके पास तीन प्रोसेस है, स्टीलॉइड, जाइगोमेटिक और मेस्ट्रॉइड, ठीक है। यहाँ पे मैंडिबल फोसा है, उसके अलावा ये जो इसका टीरस प्रोसेस है, इनके इन्फीरियरली एक कैनाल, हम कैरोटिड कैनाल कहते हैं, इसमें से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कैरोटिड फ्लेक्सेस गुजरता है। अब हम बाकी जो इसके फीचर्स हैं उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।